हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन कौन से कैमरा इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जन मुझे पता है कि मेरा वीडियोस जो भी देख रहे हैं सभी यूट्यूबर लोग ही देख रहे हैं। बहुत सारे जन ऐसे हैं जिसने अभी चैनल स्टार्ट किया, जो इंस्पायर होते हैं मेरे से ये चैनल स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था माय व्लॉगिंग सेटअप, वो वीडियो में एकदम कम थोड़ा बहुत व्लॉगिंग सेटअप था, एकदम चीप वीडियो सेटअप था। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो में प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि आपको क्या कैमरा यूज करना चाहिए, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना चाहिए, मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज करो ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं राइड्स के टाइम कहाँ पे भी जाने के टाइम कौन सा इक्विपमेंट यूज करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, वो सब मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सारे करो डैम। पहला चीज आ जाता है हमारे मोटो व्लॉगिंग कम्युनिटी में, वो है एक्शन कैमरा। दिस एक्शन कैमरा, ये एक्शन कैमरा, मैं मोटो व्लॉगर बनना चाहता हूँ, मुझे ये एक्शन कैमरा खरीदना है, वो एक्शन कैमरा खरीदना है। पता है मुझे, ये मेरे हाथ में दो एक्शन कैमरा है, मैं एक मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज करता हूँ और एक मैं टाइम लैप्स निकालने के लिए यूज करता हूँ। तो बहुत सारे जन बोलते हैं मेरे को एक्शन कैमरा खरीदना है, मैं मोटो व्लॉग्स करूंगा। बहुत सारे जन चैनल स्टार्ट करते हैं, गोप्रो हीरो 5 खरीद लेते हैं, बहुत कुछ खरीद लेते हैं, बाद में क्या होता है चैनल नहीं चलता है। एक ही एक मानना है, जब भी आप YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नॉर्मल से कुछ भी चीज़ों से स्टार्ट करो। मैं अभी तो OnePlus 5 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो पहले टाइम मैं यूज़ करता था वो था मेरा Samsung Galaxy J5, वो भी मेरा नहीं था, मेरी मॉम का था। तभी मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, उसी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन खरीदा, उसमें वीडियोज़ बनाया, फिर वो फ़ोन टूट गया, फिर वापस से J5 पे आ गया, फिर वापस से OnePlus 5 खरीदा, उसके बाद अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ Canon 200D में। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हीरो फ्लाई खरीदने का, ये खरीदने का, वो खरीदने का, एक्शन कैमरा तक नहीं था मेरे पास पहले के टाइम पे। और एक बात मैं बताता हूँ, एक भी एक्शन कैमरा मैंने अपने पैसों से नहीं खरीदा। तो जितने भी एक्शन कैमरास मेरे पास आए सब स्पॉन्सर्ड है, और अभी तक मैं एक टाइम था जब तभी मैं रोता था मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं है, और अभी तक मैंने एक अपने खुद के पैसे से एक्शन कैमरा नहीं खरीदा, सब कुछ मेरे पास स्पॉन्सर्ड एक्शन कैमरा ही आया हुआ है। से आपको लग सकता है कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपना फोन निकालो, फोन इज एवरीथिंग, फोन में वीडियोज रिकॉर्ड करो, एडिट करो। मैं चीज क्लियर कर दूं एक्शन कैमरा के बारे में, ये एक्शन कैमरा सिर्फ एक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियोज रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है। एक्शन रिकॉर्ड करो मतलब राइडिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, तो ये रिकॉर्ड करो। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक्शन कैमरा यूज नहीं कर सकते, इसका क्लैरिटी है ना थोड़ा कम रहता है। हमारा आ जाता है नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट इस पे ये है ज़ियून का स्मूथ क्यू। ये एक एक्चुअली गिम्बल है जो मतलब जो सिनेमैटिक शॉट्स होते हैं उसको स्मूथ कर देते हैं, बट आजकल मुझे इसका ज़रूरत नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी DSLR ले लिया है मैंने तो मुझे क्रेन का ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो क्वालिटी इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है मेरा, इसलिए मैं सोच रहा था। तो ये एक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो आप आपके वीडियोज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, इससे मच स्टेबलाइज सिनेमैटिक शॉट्स आते हैं। रोलिंग टाइमलैप्स के ऊपर, तो ये रोलिंग टाइमलैप्स मेकर है सिर्फ इसको घुमाने का, हाँ हमें एक अच्छा सा खासा रोलिंग टाइम लगा सकता है। DSLR में भी लगा सकते हो, GoPro में भी लगा सकते हो। आ जाते हैं हमारे एंटरटेनमेंट की तरफ, ये मेरा है ब्लूटूथ स्पीकर, बिल्डसुल का ब्लूटूथ स्पीकर, एक है चार्जिंग डॉक है, एक साथ 5 चीजें चार्ज हो जाती है वो भी एकदम फास्ट में, ये बिल्डसुल का, ये बिल्डसुल का, और एक चीज है मेरा बिल्डसुल का हेडफोन, बिल्डसुल का, ये हेडफोन मैं बिल्डसुल का यूज करता हूँ। चीजें मैं बता रहा हूँ उसका मैं शायद लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने ये वीडियो में बताया हुआ है। बता जाते हैं मेरे वॉच की तरफ, ये है हमारे का Amazfit। बहुत सारे जन पूछते ये वॉच कौन सा है, ये Amazfit है, फिलहाल तो इसका बैटरी खत्म हो गया, इसके लिए मैं एनालॉग वॉच यूज कर रहा हूँ, वरना मैं स्मार्ट वॉच यूज करता हूँ। ये दो मैं शेड्स नॉर्मली आप देखा रहेगा मेरे वीडियोस में, ये भी अच्छा है, और एक शेड्स दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ज्यादा सही दिखता है। शेड्स मैंने बाय किया हुआ है eyewearlabs.com से, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा कूल शेड्स है, अच्छे दिख रहे हैं ये शेड्स, तो आप पे भी अच्छे दिखेंगे, जरूर दिखेंगे। एक चीज ये सेल्फी स्टिक, ये सेल्फी स्टिक भी बिल्डसुल्फ का है, तो सभी चीजें बिल्डसुल्फ की है ऑलमोस्ट। ये सेल्फी स्टिक मैं बहुत टाइम पहले यूज करता था जब इमरस SJKM 5000 था, अभी तो SJKM 8 भी आ गया है, शायद मैं SJKM 8 लेने का प्लान कर रहा हूँ। आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, वो है मेरा ब्लूटूथ हेलमेट। ये हेलमेट के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये हेलमेट जो है ये BTS2 है, ये रोहित के पास भी है और मेरे पास भी है BTS2। हम लोग जब भी राइड में जाते हैं तो कनेक्टेड रहते हैं एक साथ इंटरकॉम के इसमें, तो ये ब्लूटूथ भी है, इंटरकॉम भी है, ये भी आउटडेट हो चुका है, शायद मैं अभी एक नया लेने का प्लान चल रहा है। तो फिलहाल मेरा कंपनी के साथ बात चल रहा है, तो एक नया इंटरकॉम आपको देखने मिलेगा थोड़े दिन में। हेलमेट भी चेंज करने का प्लान है, क्योंकि हेलमेट भी बहुत ज़्यादा जूना हो चुका है, और नए बाइक लेने का भी प्लान है, बहुत सारे प्लान्स एक साथ आ रहे हैं, और ये ब्लॉगिंग चैनल में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि मेरे क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि मैं वीडियोस कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने अपना कैमरा लगाया हुआ है, ये जो है वो है जोबी का गोरिल्ला पॉड, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार मैं जूम कर देता हूँ, ये जोबी का गोरिल्ला पॉड है, ये इसका बॉल हेड है, ये मेरा कैमरा कैनन 200D है, उसके बाद ये बोया का माइक है, ये एक फ्लिप स्क्रीन है, यहाँ पे एक लाइट है, वहाँ पे एक लाइट है, और ये एक रिंग लाइट है, रिंग लाइट, तो ये रिंग लाइट है,
ये लाइट ये लाइट ये लाइट। हालांकि फिलहाल अभी शाम हो गया है और क्लाइमेट आप देख सकते हो कितना सही क्लाइमेट है, पूरा ऑरेंज ही हो गया क्योंकि अभी बारिश आने वाला है मुंबई में। फिलहाल तो मैं बस वही बताना चाहता था आपको कि ये सारे मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ अपने कैमरा के लिए। 200D है, जो भी का गोरिल्ला बॉड है, इतने सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ मैं। एकदम कम इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर यूट्यूबर्स। मेरा इतना कुछ ज़्यादा है बल्कि सेटअप नहीं है, मैं आराम से, अगर मेरे को कोई फ़ोन भी दे देगा अभी, मेरा कैमरा समझो टूट गया, मेरे पास फ़ोन ही बचा है अभी सिर्फ, तो मैं वो फ़ोन में भी इतना मैंने पहले से सोच के रखा कि बाय अ सिंगल फोन आई कैन टच 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो मैंने 1 लाख तो ऐसे ही टच कर दिया था विदाउट कैमरा विदाउट फोन। ऐसा नहीं है कि आपको इतने सेटअप चाहिए उतने सेटअप चाहिए, बाय फोन आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके अंदर टैलेंट रहना चाहिए। आपके अंदर टैलेंट है आप फ़ोन निकालो, सबको दिखाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ। जब भी आपका टैलेंट एक जन को दिखाते हो, समझो मैं आपका दोस्त हूँ आप मुझे दिखा रहे हो, वही चीज़ आप फ़ोन में दिखाओ, एक जन ने देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी आपको। नाम के रिलेटेड भी बहुत सारे रीजन पूछते हैं, मेरा ये चैनल है मेरा वो चैनल है, मेरा नाम क्या होना चाहिए चैनल का। चैनल का नाम है झंपा 66, जो मेरा मेन चैनल है। तो बहुत सारे जन को मेरे को लग रहा है अभी भी वियर्ड लगता होगा ये झंपा 66 क्या है, झंपा 66 क्या है। तो झंपा 66 ये है कि झंपा 66 मेरा निक नेम है जो मुझे सब लोग बचपन से बुलाते हैं। तो जो झंपा था पहले, फिर 66 कहाँ से है, तो 66 मेरे एक्टिवा का नंबर है 0866, तो वो है 66, तो झंपा 66 हो गया। तो स्टार्टिंग में बोलते थे ये बहुत वियर्ड नाम है, नाम चेंज कर दे यार, बहुत फालतू नाम, ऑटोमोबाइल सूरज ऐसा कुछ। मैं बोला नहीं यार, मेरे को झंपा 66 रखने का और यही नाम को मैं ऊपर तक लेकर जाऊँगा। और आज देखिए, आज कोई भी नहीं बोलता मुझे कि ये वियर्ड नेम, ऐसा नहीं। चीजों से मैंने एक ही चीज सीखा है कि ऐसा काम करो कि आपका नाम अपने आप बन जाए, या फिर ऐसा नाम बनाओ कि आपका काम अपने आप हो जाए। और एक चीज रह गया वो है मेरा एडिटर, तो एडिटिंग के लिए मैं यूज करता हूँ काइन मास्टर। तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर तो ये है काइन मास्टर फ्रॉम प्ले स्टोर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर का, और ये मेरा पहला वाला वीडियो है जो मैंने बनाया हुआ था। देखिए ये सब एडिटेड वीडियो है। मास्टर का एप्लीकेशन है ये, मैं स्टार्टिंग से यूज कर रहा हूँ अभी तक, शायद मैं आगे जाके इसको अपग्रेड करूँ। और एक बात बोलना चाहता हूँ वापस से, चैनल स्टार्ट करना है स्टार्ट कीजिए, सोचिए मत। अगर आप सोच रहे हो तो सोच में ही गिर जाओगे, बाद में आपका चैनल कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अच्छे वीडियोस बनाओ, बीच भी रेगुलर है स्टार्टिंग, अभी भी मैं रेगुलर रहने का कोशिश कर रहा हूँ, वो चैनल पे एक वीडियो ये चैनल पे एक वीडियो से करके मैं रोज एक वीडियो डालने का सोच, हर रोज मेहनत करते रहता हूँ, हर रोज स्ट्रगल करते रहता हूँ। ऐसा नहीं कि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए तो अभी हम लोग स्ट्रगल नहीं करते, एवरीडे वी आर स्ट्रगलिंग और मेहनत करते जा रहे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट हम लोग बनाते रहे, आप लोगों से कनेक्ट करते रहे। सो वही सब बात था जो मैंने 2 साल में सीखा हुआ यूट्यूब से, कुछ भी नहीं है। आप लोगों का इतना ज्यादा सपोर्ट है, आप लोगों का इतना प्यार, आप लोग इतना शेयर करते हैं, केयर करते हैं, लव करते हैं मेरे वीडियोस को। और ये जो सेकंड चैनल है उस पर भी 20,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऐसे ही आपको मैं मोटिवेट करता रहूंगा। गाइस आई विल बी एंडिंग अप माय वीडियो हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू व्हाट यू लव। हमेशा मैं बोलता हूं डू व्हाट यू लव। Till then, stay tuned and do subscribe to my channel and don't forget to like this video and our bell icon bhi daba dijiye please. Till then, bye bye.